तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन OVP। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि सर मुझे OVP के बारे में थोड़ा सा बताइए और मुझे एक प्रॉब्लम आती है और OVP क्या है इसके बारे में आज आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं टोटली ये स्मार्टफोन में ही पाया जाता है। ऐसा पहले के ज़माने के मैं आपको बताता हूँ, जैसे नोकिया का मोबाइल फ़ोन होता था तो नोकिया के मोबाइल फ़ोन में एक छोटा सा पहले एक CPD यूज होता था जिसका पूरा नाम होता था चार्जिंग प्रोटेक्शन डायोड। ये ग्लास टाइप का, थोड़ा सा ग्लास टाइप का एक IC के रूप में बना होता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता था तो आपका चार्जिंग का ट्रैक शॉर्ट हो जाता था। उसी तरीके से अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, जैसे MI का मोबाइल फ़ोन हो गया या ओप्पो का मोबाइल फ़ोन हो गया या सैमसंग के मोबाइल फ़ोन हो गए, इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है कि हम लोग चार्जिंग जैक को भी चेक कर लेते हैं, ट्रैक भी चेक कर लेते हैं या चार्जिंग जैक में शॉर्टिंग बताता है, चार्जिंग जैक को हटा भी देते हैं, कंपोनेंट्स को भी हटा देते हैं, फिर भी शॉर्टिंग बना रहता है। तो उसके लिए एक हमारा मोबाइल फ़ोन में एक IC लगा होता है। देखो मैं आपको उसका डिज़ाइन बनाता हूँ, इस तरीके का एक IC बना होता है। ऐसा एक IC बना होता है जिसका नाम होता है OVP बोलते हैं। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये IC क्या काम करती है कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक लगा हुआ है, ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक में एक पिन माइनस होता है, ये पिन प्लस होता है, ये प्लस सप्लाई यहाँ पर जाती है, एक यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का एक हिस्सा माइनस होता है, ये सप्लाई आपकी इस बॉल पे ऐसे पहुंचती है इस तरीके से, फिर उसके बाद यहाँ से सप्लाई निकलती आउट निकलती है, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर का ये हिस्सा माइनस होता है, ये हिस्सा प्लस होता है, ये प्लस वाला हिस्से से सप्लाई फिर आगे चलती है और आपकी चली जाती है IC पर, जिसको हम लोग BQ या PMI, BQ नाम से जानते हैं या PMI नाम से जानते हैं, उस पर सप्लाई चली जाती है, फिर ये BQ IC सप्लाई निकालती है और आपके सप्लाई चली जाती है बैटरी कनेक्टर के प्लस पर, ये माइनस होता है और ये सप्लाई चली जाती है प्लस पे। इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग सर्किट बन रहा है। अब जितने भी नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, सारे नए मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से चार्जिंग सर्किट बनता है कि चार्जिंग जैक होता है, चार्जिंग जैक में 5 वोल्ट करंट आता है, ये 5 वोल्ट ही करंट आपका, ये जो कैपेसिटर होता है इस कैपेसिटर में भी 5 वोल्ट करंट आता है, ये 5 वोल्ट करंट आपका OVP या IC पर जाता है। OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस IC पे 5 वोल्ट करंट जाएगा, ये 5 वोल्ट इस तरफ से दूसरी तरफ भी चला जाता है, जैसे कैपेसिटर लगा इस पर भी 5 वोल्ट जाता है, फिर ये 5 वोल्ट सप्लाई जाता है तुम्हारे चार्जिंग IC पर, तब आपकी मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पकड़ना शुरू होती है। ये IC अगर शॉर्ट हो जाती है तो आप चार्जिंग के ट्रैक में चेक करेंगे तो इस वाले माइनस वाले पर तो बीप आती है, लेकिन प्लस वाले पर भी बीप आने लगती है। अगर प्लस वाले पर बीप आने लगती है तो इसका मतलब होता है इसका पॉजिटिव का लाइन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अगर पॉजिटिव का लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आएगा कि फ़ोन चार्जिंग नहीं पकड़ेगा। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ये जो आपका IC लगा होता है जिसे हम बोलते हैं OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये IC शॉर्ट मार जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस IC को उतार देते हैं। इस IC को उतारने के बाद इसके IC के जो इनपुट में कैपेसिटर लगा होता है और उसके बाद IC के जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ से उठा करके आपको इस तरीके से जंपर मार देना है। जैसे जंपर मार देते हैं तो चार्जिंग की सप्लाई आपकी आगे की तरफ चली जाती है और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है, ये OVP के बारे में बताया है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग IC लगी होती है। ये चार्जिंग IC एक्चुअली चार्जिंग IC नहीं है, ये एक्चुअली एक फ्यूज है। क्या है, फ्यूज है। ये फ्यूज क्या काम करता है कि अगर मान लिया एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई, ओवर सप्लाई आ गई, सप्लाई कम ज़्यादा हो गई तो ये ख़राब हो जाता है, ये शॉर्ट मार जाती है। तो शॉर्ट मारने से क्या होता है, आपकी चार्जिंग IC की प्रोटेक्शन हो जाती है, चार्जिंग IC सप्लाई नहीं जाती और आपका चार्जिंग का लाइन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग रुक जाती है। तो ये OVP IC ख़राब हो जाती है तो चार्जिंग की समस्या आती है। अब मैं इसको बोर्ड में दिखाता हूँ, आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराता हूँ, उसको दिखाता हूँ। देखिए
ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का बोर्ड है, मैं इस बोर्ड में OBP IC जो है उसको रिपेयर किया है, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आए। ये एक प्रॉब्लम चल रहा है, जितना भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहा है सब में प्रॉब्लम आ रही है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में देखेंगे ये आपका चार्जिंग जैक लगा होता है, चार्जिंग जैक में एक पिन माइनस होता है एक पिन प्लस होता है। प्लस माइनस चेक करने के लिए मल्टीमीटर से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद रेड पिन को क्या रखेंगे, ग्राउंड पर रखेंगे। उसके बाद जब आप इसमें चेक करेंगे, इसके माइनस वाले पॉइंट में चेक करेंगे तो माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर बीप आएगा, प्लस वाले पिन पर बीप नहीं आएगा। अगर इसको डायोड रेंज पर लगा देंगे तो प्लस वाले पर चेक करने पर क्या होता है, हमारा रीडिंग आने लगता है। तो ये प्लस वाला पॉइंट है, ये प्लस सप्लाई यहाँ से चलती है, इस पत्ते पर जाती है, इस पत्ते के द्वारा दूसरी तरफ चली जाती है। फिर यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखिए, ये पॉइंट पर चली जाती है, ये चार्जिंग का पॉइंट है, चार्जिंग के पॉइंट के बाद ये सप्लाई इस कैपेसिटर पे आती है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो लगा हुआ है ये OBP IC है, ये जो आपको लगा हुआ है ये आपका OBP IC। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस मोबाइल फ़ोन में देखेंगे ये आपका OBP IC लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पर सप्लाई आती है, इस कैपेसिटर में से सप्लाई निकल करके दूसरे कैपेसिटर में चली जाती है, फिर सप्लाई चली जाती है IC के पास में कैपेसिटर, तब IC पे इनपुट चला जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये IC शॉर्ट मार जाएगी तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी कि चार्जिंग नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटर से लेकर इस कैपेसिटर तक जंपर मार देंगे तो लाइन हमारा चालू हो जाएगा। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, अब नए मोबाइल फ़ोन में, सब मोबाइल फ़ोन में ये IC आ रही है, और ये IC ख़राब होने से हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम रुक जाती है। अब देखिए मैं आपको ये बोर्ड दिखाता हूँ, जैसे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, MI 6A का बोर्ड है। 6A के बोर्ड में देखेंगे ये वाला जो आपका पत्ता लगा हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर का पत्ता है, इसमें एक पत्ता ये है एक पत्ता ये है। इस पत्ते में अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे आप इस पत्ते को गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी सारे लोग हैं पत्ते को ज़रा थोड़ा ध्यान देंगे, मैं कैमरा को जूम करके आपको पूरा डिस्प्ले करा रहा हूँ। जैसे देखेंगे ये जो आपका पत्ता लगा हुआ है, तो इसमें से ये फ़िल्टर लगे हैं, और ये आपका बैटरी कनेक्टर है, एक ये पता लगा, इसमें फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो जिसमें फ़िल्टर लगा होता है वो LCD का पत्ता होता है, जिसमें फ़िल्टर नहीं लगा होता है वो तुम्हारा UI का पत्ता होता है या चार्जिंग का पत्ता होता है, सब पत्ता होता है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आप चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्ट करंट किसी, ये दिख रहा है जो ये गोले दिख रहे हैं, किसी एक भी गोले पर 5 वोल्ट करंट आता है। ये 5 वोल्ट करंट यहाँ से होने के बाद फिर आपका कहाँ पर जाता है, IC पर जाता है। इसमें अगर गौर से देखेंगे तो OBP IC अगर देखेंगे तो कहीं भी हमारा OBP IC नहीं नज़र आ रही है। ये 5 वोल्ट सप्लाई निकलेगा, 5 वोल्ट सप्लाई निकलने के बाद IC पे जाएगा, IC से आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चला जाएगा, तो हमारी मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज होगी। और ये देखेंगे एक IC लगी हुई है, इस IC के पास में डायोड लगा, ये कॉइल लगा, ये आपका लाइट सेक्शन है, यहाँ से आपका VPH लाइन निकलता है, तो ये आपकी IC लगी हुई है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको चार्जिंग ट्रैक के बारे में समझाया हुआ है, और ये जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया Max Pro M1, इसके अंदर तुम्हारा ये OBP IC लगी हुई है, ये देखिए इसमें जंपर मारा हुआ है कि सबसे पहले चार्जिंग का जो प्लस सप्लाई होती है इस पत्ते पे आती है, पत्ते के बाद ये जो गोला दिया हुआ इस पर आती है, इस गोले से सप्लाई तुम्हारी कैपेसिटर पर पहुँचती है, कैपेसिटर से IC सप्लाई को पास करती है, आगे भेजती है, फिर इस कैपेसिटर पर जाती है, फिर इस कैपेसिटर से सप्लाई होते हुए तब तुम्हारी जो पावर IC लगी है इस पावर IC पर जाती है, तब आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होती है। तो अगर आप देखेंगे ये वाली IC हमारी जैसे ख़राब हो गई थी तो चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको OVP के बारे में बताया हुआ है, और आपको मैंने बोर्ड में चेक करके बताया, मेरे पास ASUS का बोर्ड है, उस बोर्ड में मैंने आपको पूरा OVP का सर्किट पूरा समझाया हुआ है, कैसे OVP का सर्किट काम करता है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपके लिए समझ लें, और इस तरीके के सर्किट्स को अपने कॉपी में डिजाइन कर लें, ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद आप प्रॉपर उसको सेंस करें। हमने आपको बताया चार्जिंग जैक होता है, सबसे पहले यहाँ से चार्जिंग से हम लोग करंट लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, सप्लाई आगे जाती है, ये सप्लाई आगे जाने के बाद यहाँ पर एक बीच में UI भी लगा होता है, फिर UI से सप्लाई जाती है, बीच में यहाँ पर गोला लगा होता है, इस गोले को हम लोग बोलते हैं VCH या VCIS नाम से भी जानते हैं,
मतलब वोल्टेज ऑफ सिस्टम 5 वोल्ट सप्लाई जाती है। अगर तुम्हारा यूआई वगैरह ये ख़राब हो जाता है तो आप इसके यहाँ से उठा के इस गोले पर जम्पर मार दोगे तो भी आपका चार्जिंग का ट्रैक ओके हो जाएगा। हम बात कर रहे थे ओवीपी आईसी, ये ओवर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर ये आईसी ख़राब हो जाती है तो हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हम इस कैपेसिटर से लेकर के दूसरे आउटपुट वाले कैपेसिटर पर जम्पर मार देते हैं ताकि हमारा चार्जिंग का लाइन ओके हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज मैंने ओवीपी सर्किट के बारे में बताया हुआ है। ओवीपी सर्किट के बारे में आपको कैसा समझ में आया, वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित तो आप मुझे हेल्प करें, हेल्प के लिए अगर कोई भी फ़ोन करना चाहते हैं तो आप मुझे हेल्प लें, पूछें, और किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे उसमें हार्डवेयर की समस्या हो या उसमें सॉफ्टवेयर की समस्या हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप मुझे से पूछ सकते हैं। ये अपना नंबर दिया हुआ 6391711711, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सर आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है जो आपको पूरा सिखाया जाता है, जो इस कोर्स के दौरान सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, एक एक करके पूरा टॉपिक आपको कवर कराया जाता है। जैसे आप देखेंगे पूरा एक क्लास है, क्लास में पूरा सिलेबस लगा हुआ है ए से लेकर जेड तक। ये पहले मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर है, जैसे जंपरिंग लगाना, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना, जैक सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना, आईसी को रिबोल्डिंग करना, आईसी सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना, कॉम्बो को फिटिंग करना, ओसीओ को रिपेयर करना, पोलराइज फिल्म रिपेयर करना, सेट रिपेयरिंग करना, आल मोबाइल फ़ोन के ब्लॉक डायग्राम, सिमेटिक डायग्राम, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, डीसी सप्लाई मशीन की रीडिंग हो गई, और फिर आप आएंगे मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर के पैटर्न में चले जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर के पैटर्न में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर में हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है, हैंग ऑन लॉगों की प्रॉब्लम, पिन पैटर्न, पासवर्ड अनलॉकिंग हो गया, FRP सॉल्यूशंस हो गया, कंट्री अनलॉकिंग हो गया, आल बॉक्स की डिटेल, जितने भी सारे बॉक्स आते हैं, जैसे अपना UMT हो गया, UMT प्रो क्या होता है, CM2 क्या होता है, MRT क्या होता है, अमेरिकल क्या होता है, अमेरिकल थंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको टोटल इसमें डिटेल में आपको सारा चीज़ आपको समझाया जाता है। फिर आपको चलता है मोबाइल फ़ोन MMC के बारे में, आपको माइक्रो जंपर हो गया, UFI इंस्टॉलेशन हो गया, डेड बूट रिपेयर हो गया, ISP पिन आउट यूज हो गया, या MMC को प्रोग्राम करना हो गया, MMC को डाटा को रिकवर करना है, IC को फ्लैश करना है, या आपको एक एक करके पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाता है। मैंने आपको बताया कि सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं या उनकी अपनी शॉप है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, अगर उनको खाली सॉफ्टवेयर नहीं आता तो सॉफ्टवेयर के पर्पज़ एक छोटा सा डोंगल आता है, डोंगल को लेकर के अनलॉकिंग का काम आराम से सीख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की क्लास होती है, आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। या जो ऐसे पर्सन हैं जिनको बिल्कुल जीरो हैं तो भी अपना आकर के स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, हार्डवेयर के तौर पर अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन सीखा जा सकता है, लेकिन हार्डवेयर को पूरा कंप्लीट कभी ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होता है कि आपको आ करके इसमें हैंड स्किल का थोड़ा सा इशू होता है, एक एक करके आ करके आपको प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिकल के लिए जो भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, रिपेयरिंग के लिए जो सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, वो आपको सब कुछ यहीं से मिलता है। ये समथिंग सीखने का जो ड्यूरेशन होता है टोटल समथिंग 45 दिन का समय लगता है। 45 दिन के अंदर आप जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और MMC रिपेयरिंग है, OC रिपेयरिंग है, दोनों तरीके से आप पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सीखते हैं। पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सारा सब कुछ आपको सिखाया जाता है, थ्योरेटिकल भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है, बोर्नियो सेमेटिक है उससे भी आपको रीड करना सिखाया जाता है। मेरी तरफ से आपको इतनी श्योरिटी रहती है कि जब आप आते हैं तो 100% तरीके से आपको मैं सिखा कर ही भेजता हूँ, चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की समस्या हो। अगर आप इस लाइन में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना किसी और बिजनेस से परेशान है या किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, वो लगता है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हमको कोई बड़ी परेशानी आ रही है, या हम मोबाइल फ़ोन लाइन में स्विच होना चाहते हैं, या बिजनेस कोई नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आज देखा जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये काम सीखने के बाद आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, आराम से अपना इनकम, एक अच्छी पैसे इनकम को जनरेट कर सकते हो। दूसरी बात क्या होता है, ये साफ़ सुथरा काम है, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं कस्टमर आपके पास खुद आते हैं। आजकल अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो लाखों करोड़ों मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं। अगर आप अपने आसपास ही देख लेंगे ना तो सर ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो मोबाइल फ़ोन को ना चलाता हो।
उस मोबाइल फ़ोन के अंदर छोटी से छोटी कोई भी समस्या आएगी तो लोग उसे ठीक करवाने के लिए जाते हैं, शॉप पे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास आएंगे तो आपका काम होगा, आप उस पर अच्छे से काम करके देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाइन करेंगे। मोबाइल फ़ोन ही शायद ऐसा एक बिजनेस होता है कि जिसमें बहुत कम पैसा लगा करके बहुत अच्छा अर्निंग किया जा सकता है, और मात्र 45 दिन का समय होता है। 45 दिन के समय के अंदर आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर रहने वहने का सारा सुविधा टोटल दिया हुआ है, और 45 दिन ड्यूरेशन के अंदर आप पूरे कंप्लीट कोर्स सीख करके जा सकते हैं। और जो भी ऐसे बाहर से ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मेरा बिहार है, झारखंड है, पंजाब है, नागपुर है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत दूर दूर से बच्चा सर आता है, सीख करके जाता है। इसको सीखने में जो समथिंग खर्चा आता है, मात्र 15,000-20,000 रुपये तक का समथिंग अप्रॉक्स में खर्चा आता है सीखने का, और जिसमें आपको टूल किट वगैरह है, सर्टिफिकेट हैं, आई कार्ड्स हैं, वो सारा सब कुछ आपको यहीं से मिलता है। कोर्स के दौरान ही सब आपको दिया जाता है। 2-3 ट्रेनर हैं जो आपकी मदद करते हैं, मैं खुद आपको पहली बार तो सिखाता हूँ, और भी सर हैं जो आपको सिखाते हैं, आपको मदद करते हैं, ताकि जब यहाँ से जाते हैं तो सर पूरा फुल ट्रेंड कंप्लीट हो करके ही जाते हैं और अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चों का क्लासेस होता है वो 8-10 घंटे के बच्चों का क्लासेस होता है, 8-10 घंटे बच्चे क्लास करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इतने दूर से आते हैं सीखने के लिए ही आते हैं तो अच्छे से सीख करके जाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आपको अगर परेशानी आती है, किसी भी चीज़ की अगर आपको डिमांड है, कोई चीज़ है, तो आप चैनल पर मैसेज करें, या किसी भी तरीके की समस्या आती है, या आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, अगर आपको बिजनेस चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है, या आपको कोई सामान नहीं उपलब्ध हो पाता, या आपको कोई टूल्स चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई भी ऐसी संबंधित समस्या आती है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की आप अपनी शॉप चला रहे हैं, आप शॉप चलाने के बाद अगर आपकी शॉप नहीं चल रही है, या काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर के परेशानी आती है, तो आप हमारे नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं और एक एक चीज़ के बारे में हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मेरा ये मानना है जितने भी सारे ऐसे पर्सन हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से जुड़े हुए हैं या मोबाइल फ़ोन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसमें से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग एक ऐसा फील्ड होता है जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है, कि मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं जो अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम नहीं आता तो पूरे बिजनेस को चला सके। जैसे क्या होता है, अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो एक डॉक्टर होता है, वो मेन होता है, बाकी सारा हॉस्पिटल उसी के बेस पर चलता है। उसी तरीके से अगर आपको रिपेयरिंग अच्छे से आती है, तो आप इससे संबंधित जितने भी सारे बिजनेस हैं, सारे बिजनेस को रन कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल पे काम कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन बेहतर है, उसके अंदर कौन सा चिपसेट लगा होगा तो बेहतर होगा। ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वही दे सकता है जो बिल्कुल जीरो लेवल पर काम जानता हो। जीरो लेवल का मतलब जानते हैं, मदरबोर्ड को जानता हो। अगर आपने मोबाइल फ़ोन को ऊपर से अच्छा पॉलिश करके दे दिया तो उसकी क्वालिटी नहीं होती, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अंदर का बोर्ड, अंदर का पीसीबी। ये अंदर का बोर्ड पीसीबी वही जान सकता है जो एक टेक्नीशियन हो, जो टेक्निकली हो। तो जैसा कि आपको वीडियो मैंने आपको आज ओवीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में आपको समझाया है, उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चार्जिंग से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।